अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस जुहा तबस्सुम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास फोर्थ फ्रॉम इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस पोएम एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट। सो लेट्स स्टार्ट। द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज वेक अप। Wake up, wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up, wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks. And the sheep, the tiniest chicken, cheep, 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 wake up. Okay, students, now I am going to explain this poem. The title is Wake Up. Title kya hai is poem ka? Wake Up. Wake Up means hota hai neend se uthna ya jagna. To, yani iska matlab utho. Wake up, it's a lovely day. Ab is poem ko jisne likha hai, jo poet hai, wo keh rahe hai, utho, utho. Ye pyara din hai, ye ek pyara din hai. Oh, please get up. And come and play. अरे please उठ जाओ, आओ और खेलो. The birds are singing in the trees. And you can hear the buzzing bees. जो birds हैं वो क्या कर रही हैं, पेड़ में गाना गा रही हैं. और तुम bees कहने शहद के मक्खी या मधुमक्खी की भिनभिनाहट को सुन सकते हो. Wake up, it's a lovely day. Oh please get up and come and play. उठो उठो, ये एक प्यारा दिन है. अरे please उठ जाओ, आओ और खेलो. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepy head. अब क्या पोएट कहते हैं कि अब तो बहुत लेट हो गया, यानी बेड पे लेटने का ये टाइम नहीं है, ये बहुत लेट हो चुका है. सो हरी अप, हरी अप मीन्स जल्दी करना, इसलिए जल्दी करो. यू स्लीपी हेड, स्लीपी हेड मीन्स होता है स्लीपी पर्सन, यानी जो सोते हैं. तो जो सोने वाले हैं उनसे कह रहे हैं कि अरे सोने वालों जल्दी करो, अब बहुत लेट हो चुका है, अब बेड पे लेटने का टाइम नहीं है, जल्दी करो. वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट. अब वॉश मीन्स होता है धुलना, लेकिन यहाँ पे वॉश मीन्स होता है नहाना. यहाँ पे इस पोएम में वॉश का मतलब क्या है, नहाना. तो कह रहे हैं पोएट क्या कह रहे हैं कि नहाओ और कपड़े पहनो. वॉश एंड ड्रेस, नहाओ और कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ. कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ. एवरी वन इज़ अप एंड अबाउट, यानी सारे लोग उठ चुके हैं, कोई भी बेड पर नहीं है, सारे लोग उठ चुके हैं. कौन कौन उठ चुका है? द काउ, द हॉर्सेज, द डक्स एंड द शीप, द टाइनिस चिकन, चीप चीप चीप. अब काउ उठ चुकी है, हॉर्सेज यानी घोड़े उठ चुके हैं, डक्स यानी बतख उठ चुकी है, शीप उठ चुके हैं, और ये टाइनिस चिकन यानी छोटे छोटे चूजे उठ चुके हैं. चूजे जानते हैं ना आप लोग, चिकन, छोटे छोटे चूजे भी उठ चुके हैं. और वो कैसे बोल रहे हैं, चीप चीप चीप. कौन बोल रहा है? चिकन बोल रहे हैं. वेक अप, उठ जाओ और मजे लो. Okay, student, I hope that all of you understood, and that's all for today. And inshallah, tomorrow we will discuss some exercises of this chapter. Allah Hafiz.